हाय, बहुत ज़्यादा दुख की और ट्रैजिक बातें हुई इन दोनों में, है ना। सो आई थिंक इट्स टाइम टू मेक अ लाइटर वीडियो ऑन द अदर एस्पेक्ट ऑफ द लॉकडाउन। ये मैं अपने घर में हूँ, नमह में, मुंबई में, और सुबह 4:15 बजे को उठाऊँ मैं। आई स्लेप्ट अर्ली, आई वांटेड टू जस्ट एंजॉय द मॉर्निंग, बट हमेशा मैं सुबह जल्दी नहीं उठता। मैं आज सुबह उठा और मैंने उठ के 1.25 घंटा के करीब मैंने योगाभ्यास किया, और उसके बाद में मैंने मेरे पापा को कॉल किया और मैंने बोला पापा अगर आप जगे हो तो क्यों बोल रही हो वेक। तो उनके पास में मुझे एक्चुअली हमेशा जाना होता है, क्योंकि उनके घर में कोई मेड वेड भी नहीं है इस समय, कोई काम करने वाला नहीं है, वो घर के पास ही रहते हैं। तो दैट इज़ वन ऑफ द एसेंशियल टेकिंग केयर विच आई हैव टू डू। तो मैं खाना भेजता हूँ उनके पास में हर रोज़, या वो मेरे पास खाने के लिए आते हैं जब हम, क्योंकि घर में कुछ नहीं है उनके। बड़ा इंटरेस्टिंग सुबह हुई हमारी आज। आई वॉन्ट टू गिव यू ग्लिम्स ऑफ इट, ऑल्दो इट्स नॉट, इट्स वेरी अनप्लान्ड। एंड ऑफकोर्स जिस घर में कोई काम करने वाला नहीं होता और जब हम खुद काम करते हैं तो वो किचन कैसी होती है वो मैं आपको दिखाता हूँ अभी। एंड दिखाता हूँ कि कैसे मैं और मेरे पापा 1991 में जब आए थे सिंगर बनने के लिए मेरे बॉम्बे में, मुंबई में, तो उस समय हम ऐसे ही अकेले काम करते थे। पापा खाना बनाते थे, मैं बर्तन मांजता था, या पापा भी बर्तन मांजते थे, झाड़ू पोछा हम लोग मिलके करते थे, कपड़े धोते थे। तो आज सुबह का जो दृश्य है इट विल रिमाइंड यू ऑफ ऑलमोस्ट द सेम थिंग 30 ईयर्स बैक। बस 30 ईयर्स हो जाएंगे सितंबर में, हम लोग ऐसे ही जीते थे मैं और मेरे पापा दोनों। तो आज पापा से मैंने सुबह ऑमलेट बनवाया, और पहले हम गए, हमने अंडे खरीदे, ब्रेड खरीदी, दूध खरीदा, और उसके बाद में फिर हमने आए, हम आके पापा ने ऑमलेट बनाया, मैंने थोड़ा सीखा, फिर एक ऑमलेट मैंने बनाया, और फिर जो बचे तो बर्तन धोए मैंने, और फिर पापा ने मेरे लिए चाय बनाई, हम लोगों ने चाय बना के पी। मैं आपको ग्लिम्सेस में दिखाता हूँ जस्ट टू शो यू कि लॉकडाउन में खुद काम करने का भी एक आनंद है जो हम उठा रहे हैं। और अभी इतनी ट्रेजेडीज़ हो रहे हैं, कितने लोग मर रहे हैं, हर वीडियो में सैड बनाता हूँ। आई थॉट आई मेक यू अ हैप्पियर एंड अ पॉजिटिव वीडियो। ओके बाय। पहले क्या क्या मशीन है यहाँ, जब फॉर्म में जाते थे तो बोलते ये प्याज काटने की मशीन है, ये फलाने है ना, तब बड़ा फैशन। मैं ऐसे करूँ कि ऑमलेट में आ जाए। मैं आपकी रेसिपी ले रहा हूँ, फोटो रेसिपी ले रहा हूँ। अच्छा, रेसिपी क्या बना रहे हो? अच्छा, अभी अंडों की बारी। पहले के दो अंडे इनको पहले यूज। अच्छा, तुम्हें बोले देखो, मैं दो अंडे के अंदर दो बार देता हूँ। हाँ, आराम से खाओ, हम एक साथ खाएंगे, बनाते जाओ बैठे के साथ में। मैं ठंडा ही खाता हूँ पापा, मैं गर्म नहीं खाता ऑमलेट। हाँ, मुझे तो ठंडा खाने का ही शौक है, मैं गर्म नहीं खाता। सब होता है आपके पास भी, सब होता है आपके पास। अच्छा, पहले से ही अकेले रहने का आदि हूँ मैं। हाँ, तो ये सब इसलिए मुझे इस टाइम इतना तकलीफ नहीं हो रही, नहीं हो रही है। अगर मैं पहले अकेले ना रहा होता ना, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। जवाने की आदत है, वो आदत थोड़ी एज को हो गई ना, एज तो आड़े आ ही नहीं है, तकलीफ तो होती है, थकान भी होती है, वो बात तो नहीं है। लेकिन ये है कि कैसे भी करके कुछ टाइम निकाल सकता हूँ, ज्यादा नहीं। अच्छा, ताकि जब दोबारा उसको हम डालेंगे ना तो वो जल्दी गर्म हो जाएगी।
अच्छा ये तरीका है कि नहीं? हाँ फोर थिंक क्या बोलते हैं उसको, फोर थिंकिंग ना, हाँ दूरदर्शी, फोर साइटेडनेस, देखो देखो मुझे नहीं पता, फोर साइटेडनेस। अच्छा दो अंडे पे टाइम लगेगा। हाँ? तीन अंडे कर दो, तीन अंडे इसमें नहीं आएंगे ना। नहीं। अच्छा बटर निकाल लिया, बटर से बनाते हैं आमलेट, बटर से है ना, यदि आमलेट बटर से नहीं बन रहा था तो चलो जल जाता है, मेरे को भी याद आ गया। अच्छा अच्छा हाँ। तो किससे बनाते हैं हम लोग? देसी घी से। अच्छा अच्छा नहीं नहीं मुझे मुझे सॉस के बिना चलता है पापा, मैं सब पता नहीं नमक के बिना चलेगा कि नमक कैसा है, कैसा ठीक मेरे में कैसा होगा पता नहीं, बीच बीच बार में नमक डाला गया कि नहीं, डाले होगा डाले होगा ना, किचन का काम करना इतना मुश्किल है मुझे पता है, और जो जो लोग बोलते हैं क्या करती करती क्या है क्या करती है क्या काम होता है, तो मैंने कहा मुझे पता है कि क्या काम होता है, इतना कम काम नहीं होता जितना तुम समझ रहे हो। हाँ ये लोग हमेशा ही बोलते हैं दिल्ली चले के दिल्ली से को क्या करती है क्या करती है उसके दायरे में, लेकिन मुझे पता है क्या होता है, एक चाय पियोगे ना तीन बर्तन खाली चाय पीने में तीन बर्तन धोने पड़ते हैं। देखो आप पी के देखो कैसा है, कड़वा कड़वा है। अच्छा ठीक है, फिर अच्छे खासे नाश्ते के बाद में मैंने और पापा ने बैठ के लायन फिल्म देखी, मेरी फेवरेट फिल्म है वो, मैंने पापा को दिखाया और पहली बार पापा एक फिल्म में मुझे पापा ने ये नहीं कहा कि इसको फॉरवर्ड करते हैं थोड़ा सा, ये वेरी थरली इंजॉयड द फिल्म और वो उसके हैंगओवर में थे पूरी फिल्म के हैंगओवर में, और कहते हैं कि मेरी ज़िंदगी की तो जो टॉप थ्री तीन फिल्में हैं उनमें से इसका शुमार होगा। अच्छा है कि मैं लॉकडाउन में पापा के साथ हूँ यहाँ पे, लास्ट टाइम लॉकडाउन में मैं पापा के साथ नहीं था, इस बार मुझे लगा कि दिस इज इट्स माय ड्यूटी टू बी विद माय फादर एंड आई वुड अप्रिशिएट इफ माय सन डज दिस फॉर मी व्हेन इफ एवर अ सिचुएशन लाइक दिस अराइजेस इन द फ्यूचर, बट जस्ट बीइंग अराउंड विद माय फादर बहुत अच्छा लगता है मुझे, हम आसपास ही हैं और पापा मेरी देखभाल करते हैं, मैं पापा की देखभाल करता हूँ, एंड इस लॉकडाउन में आई एम विद माई फादर एंड माई सिस्टर।
मुंबई। ओके बाय।